तो मेंस्युरेशन 2D हमारा हो चुका है कंप्लीट और अब बारी है मेंस्युरेशन 3D की। तो मेंस्युरेशन 3D का जो टॉपिक है वो हमारा इस वीडियो से स्टार्ट होता है। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मेंस्युरेशन 3D। इसका सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब क्या होता है आज हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, मैं आपको वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और डायगोनल, इनके केवल फॉर्मूले बताऊंगा, इनके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये काफी इजी होते हैं। फॉर्मूला पुट करना है और उसके अंदर वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें कराऊंगा आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको करने की एक ट्रिक होती है या एक मेथड होता है, उससे करने होते हैं। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। देखिए, क्यूब होता क्या है। अगर एक स्क्वायर पे, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, उस पे हम और चार साइड स्क्वायर खड़ा कर दें तो एक बॉक्स बनता है। अब वो बॉक्स कैसा होगा, उसकी सारी साइड इक्वल होगी। मान लीजिए अगर ये वाली साइड लेंथ जिसको हम कहते हैं वो है ए, तो इसकी ब्रेथ जो है वो भी हो जाएगी ए और हाइट जो है वो भी हो जाएगी ए। यानी सारी साइड इक्वल होती है, उसको हम कहते हैं क्यूब। तो ये तो हुई बात क्यूब की। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हमको क्या फाइंड करना होगा। सबसे पहले बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है, मान लीजिए आप एक बर्फ बना रहे हैं या कोई सॉलिड मेटल का कुछ बना रहे हैं, तो उसमें कितना मेटल लगेगा, वो चीज आती है वॉल्यूम में। तो इसका वॉल्यूम सिंपल सा होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम जो है इसका वो होता है ए क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक चोको रूम है, आपका कमरा है एक। अगर बात करें उसकी चारों साइड की दीवार की, यानी ये साइड, एक पीछे वाली साइड और एक इस साइड वाली साइड, जब चारों साइड की बात आए, ठीक है, ऊपर का फ्लोर और सॉरी नीचे का फ्लोर और ऊपर की जो सीलिंग है उसको छोड़ के, अगर चारों साइड दीवार की बात आए तो क्या क्या काम में आता है हमारा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो नीचे का बेस और ऊपर का टॉप, ये दोनों मिला के जो बनता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। टोटल यानी टोटल लेना है, छह साइड हो रही है, एक दो पीछे वाली तीन चार, एक नीचे की और एक ऊपर की, यानी टोटल हो गई छह। तो टोटल सर्फेस एरिया पूरे को मिला के होता है और कर्व्ड सर्फेस एरिया में ऊपर और नीचे का मिलाया हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायगोनल की। अब डायगोनल क्या होती है, देखिए एक पॉइंट ये है, देखिए स्क्वायर में तो हम ये और ये पॉइंट मिलाते थे, लेकिन इसमें निकालने के लिए हमको क्या मिलानी है डायगोनल के लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। मैं इसको नाम दे देता हूं, ये पॉइंट हम दे देते हैं नाम ए और ये पॉइंट देते हैं हम बी। तो हम जब ए से बी पॉइंट में कोई रॉड रखते हैं या जो इसमें सीधी लाइन निकालेंगे उसको कहेंगे हम डायगोनल। और यही इसके अंदर आने वाली सबसे लंबी रॉड या कुछ भी आपका क्वेश्चन आता है तो वो सबसे लंबा जो आएगा वो ए से बी आएगा, इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो ठीक है, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन की, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वो कुछ इस तरह है। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी क्यूब का जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमको क्या बताना है, इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज, हमको बतानी है उसकी वॉल्यूम क्या है। हम यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकाली जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है और लेंथ जो है वो केवल सेंटीमीटर में निकाली जाती है। यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें तो हमको क्या क्या गिविन है। देखिए, हमको गिविन है डायगोनल, यानी डी डायगोनल हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होनी चाहिए हमारे पास साइड, तो हमारे पास साइड नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, √3a इक्वल्स टू डायगोनल होती है, तो हमको गिवन है 6। अब a क्या माना है हमने, हमने साइड को मान लिया है a, ठीक है। तो ए जब हम निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और डिवाइड में आ जाएगा √3। तो इससे हमारा जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा, 3 से कट के √3 बच जाएगा, तो 2√3 हमारा आ जाएगा ए।
ये क्या आ गई, हमारी साइड आ गई। अब हमको निकालना रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, ए है हमारे पास 2√3 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 × √3 का क्यूब होगा 3√3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24√3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहां पर लगेगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की, वो कुछ इस तरह है। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 क्यूब है कितने के, 1 सेंटीमीटर का, 216 सेंटीमीटर का और 512 सेंटीमीटर क्यूब का। ये इसकी क्या गिवन है, वॉल्यूम। हमको क्यूब लगा रखा है मतलब ये वॉल्यूम गिवन है। अब क्या कह रहा है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, उन तीनों को पिघाल दिया है और एक नया क्यूब बनाया है, उन तीनों को मिला के एक नया क्यूब बनाया है पिघाल के, ठीक है। तो पूछा फाइंड द डायगनल ऑफ द न्यू क्यूब। अब देखिए हमको नए क्यूब की डायगनल बतानी है। नया क्यूब कौन सा है जो इन तीनों को मिला के जो बन रहा है, इसके लिए आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगी, नए क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी पुराने सारे क्यूब की वॉल्यूम को ऐड करके, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 216 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो है वो पुराने तीनों क्यूब की या तीन जितने भी क्यूब दिए हुए हैं उनको ऐड करके आएगी। कभी भी साइड ऐड करके नए क्यूब का वॉल्यूम नहीं निकलेगा। जैसे अगर आपको ये साइड दी हुई होती तो आप पहले वॉल्यूम निकालते, उसके बाद वॉल्यूम ऐड करते, उसके बाद नए क्यूब की साइड निकालते, ठीक है। तो हमको आना इस प्रोसेस पे है। तो अब जो हमको सिंपल सा करना है वो इन तीनों को ऐड करना है। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। हम साइड क्या मान लेते हैं नए क्यूब की, ए क्यूब। ए क्यूब यानी फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अब हमको सिंपल निकालना है ए, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये है 9 का क्यूब, तो साइड आ गई हमारी 9। अब जो हमारा सिंपल हमारे पास आ गई है साइड, तो साइड से हम सीधे निकाल सकते हैं डायगनल। डायगनल इक्वल्स टू √3 ए, ये ही होता था, तो √3 × a कर देंगे। ए है हमारे पास 9 इक्वल्स टू 9√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, डायगनल है जो कि हमको फाइंड करना था। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड नहीं होता है। इसके अंदर जो था वो ये था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और अब कोई सा भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, वो कुछ इस तरह है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब होल सरफेस एरिया, हम टोटल सरफेस एरिया को ही कहते हैं, होल यानी पूरा, टोटल यानी पूरा, ठीक है। तो होल सरफेस एरिया मतलब पूरा उसको क्यूब को पेंट करने का जो कॉस्ट है, 13 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, मतलब 13 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट है, उससे जो हमने टोटल सरफेस एरिया पेंट करा है वो आया है हमारा रुपए में 343.98 रुपीज। तो ये आया है, हमको सिंपल फाइंड करना है। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, क्यूब की हमको वॉल्यूम निकालनी है। देखिए हमको ये दी हुई है रेट पैसे में और ये दिया हुआ है रुपीज में, तो सबसे पहले तो हमको इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी गिवन है हमको, 343.98 रुपीज ये गिवन है। अब हमको मालूम है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको × 100 कर देंगे जिससे कि ये पैसे में आ जाएगा। तो × 100 करते ही डेसिमल 2 खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 343.98 पैसे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखिए हमको निकालना क्या है, क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसके लिए हमको चाहिए साइड। अब साइड हमको गिवन ही नहीं है, लेकिन हमको गिवन है होल सरफेस एरिया की इतनी कॉस्ट लगी है, तो हम होल सरफेस एरिया निकाल के उससे हम साइड निकाल सकते हैं और साइड से फिर वॉल्यूम निकालते हैं। देखते हैं हम ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल
टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये होगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइड बाय रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमको दोनों गिवन है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने पैसे में निकाली 34398 डिवाइडेड बाय रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको क्वेश्चन में गिवन थी 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आया है, ये आया है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इससे हमने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, TSA ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6A स्क्वायर। तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो 2646 ये हमने ये वाला रखा है इक्वल्स टू 6A स्क्वायर। जब आप इसको 6 से काटेंगे तो 6 4 24 वापस 4 जा एंड 1 441, तो ये है A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या आ रहा है 441, तो A हमारे पास जो बचेगा A बचेगा ये होता है 21 का स्क्वायर, यानी A आ गया 21। अब सिंपल हमारे पास A आ चुका है तो अब क्वेश्चन में कुछ करने को बचा ही नहीं है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि होती है ए क्यूब। अब ए हमारे पास गिवन है 21, तो 21 का क्यूब करना है हमको, सिंपल है। और 21 का क्यूब होता है 9261। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो यहां पर यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब, और ये है हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं, आपको एक साथ दो तीन चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे आपका फ्लो बन जाएगा, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना इसको सॉल्व करने में। और एग्जाम में जो है स्पीड ही मैटर करती है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम गिवन होता है। तो ये था आज का हमारा फुल कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन क्यूब पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस पे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं इसके बाद क्यूबॉइड, उसके बाद कोन, स्पेयर, हेमिस्फेयर सब की वीडियो डालने वाला हूं। और अगर आपको कोई टॉपिक पीछे से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक वाइज मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप इसको #success_tricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।